MBBS in just 20 lakh rupees, ये सेंटेंस आपने जरूर सुना होगा। जी हाँ, आज मैं बात करने वाला हूँ MBBS in Russia की और बताने वाला हूँ what are the benefits of studying MBBS in Russia और क्या advantages हैं। तो चलिए इस वीडियो को आगे लेके चलते हैं। हाय, मेरा नाम है विनय शर्मा, मैं हूँ MBBS करियर कोच और आज आपको डिटेल वीडियो में बताने वाला हूँ कि क्यों बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं MBBS in Russia। दोस्तों, सबसे पहले ये समझना होगा कि इंडिया से स्टूडेंट अब्रॉड पढ़ने जाता ही क्यों है। इस साल यानी 2024 में लगभग 25 लाख स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया है नीट का। इनमें से लगभग 11.5 लाख से लेकर 12 लाख स्टूडेंट नीट क्वालिफाई करेंगे, लेकिन गवर्नमेंट सीट्स हैं सिर्फ 50,000 और जो बची हुई 50,000 प्लस सीट्स हैं वो हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की, जिनकी एवरेज फीस होती है 70-80 लाख रुपीज से लेकर 1.5 करोड़ और इससे भी ज्यादा। लेकिन ये इंडिया की एक बहुत बड़ी आबादी के लिए अनअफोर्डेबल है। इंडिया का लोअर मिडिल क्लास और यहां तक कि अपर मिडिल क्लास के लिए भी ये एक अफोर्डेबल फीस नहीं है। ऐसे में स्टूडेंट जो बार बार रिपीट करने में इंटरेस्टेड नहीं है और जिसका सपना डॉक्टर बनने का है, वो ऐसे ऑप्शंस को ढूंढता है जो कि उसको कम बजट में डॉक्टर बना सके। दोस्तों, जैसे इंडिया में हमारे जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनकी कॉस्ट ऑलमोस्ट आप समझ लीजिए कि आप मुफ्त में इंडिया में पढ़ाई करते हैं। कारण क्या है कि मेडिकल हेल्थ केयर सर्विसेज किसी भी कंट्री के लिए सबसे अहम सर्विस होती है और इस पर गवर्नमेंट बहुत इन्वेस्ट करती है। ठीक इसी प्रकार से रशियन गवर्नमेंट अपनी मेडिकल एजुकेशन पे बहुत इन्वेस्ट करती है और उसका फायदा मिलता है इंडियन स्टूडेंट्स को। आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ 10 एडवांटेजेस टू स्टडी MBBS इन रशिया, क्योंकि ये वो आंसर है जहां पर अगर स्टूडेंट अफोर्ड नहीं कर सकता और सपना देखता है डॉक्टर बनने का, तो अपना सपना पूरा कर सके और कुछ 20 से 30 लाख रुपए में रहना खाना मिलाकर पूरी MBBS की स्टडीज कर सके। सो हियर आर द 10 रीजन व्हाई somebody शुड स्टडी MBBS इन रशिया। सबसे पहला कारण है कि रशिया का कोर्स बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है। यहां का एवरेज बजट, जिसके अंदर हॉस्टल और ट्यूशन फीस इंक्लूडेड है, वो 14-15 लाख से शुरू होकर 30 लाख के बीच में जाता है। यहां तक कि आपकी लिविंग कॉस्ट, रहना खाना, ये सब कुछ मिलाकर भी बहुत सारे कॉलेजेस में आप सिर्फ 20 लाख में पूरी स्टडीज कंप्लीट कर लेते हैं और कुछ कॉलेजेस में 30 लाख के आसपास। यहां पर जो स्टूडेंट जाते हैं वो बहुत ही रीजनेबल कॉस्ट में एक बहुत ही स्टैंडर्ड और वर्ल्ड क्लास स्टडीज कर सकते हैं। बल्कि मैं अगर कहूं तो ये दुनिया के किसी भी और डेस्टिनेशन से और यहां तक कि CIS कंट्रीज से भी काफी ज्यादा इकोनॉमिकल पड़ता है। तो ये पहला कारण है जिसकी वजह से 80% से ज्यादा स्टूडेंट जो कम बजट में मेडिकल करना चाहते हैं, उनके लिए रशिया एक टॉप मोस्ट ऑप्शन बन जाता है। किसी भी रशियन मेडिकल यूनिवर्सिटी की एक एवरेज फीस $3,000 से $5,000 तक होती है। रहने की कॉस्ट आपकी $150 से $200 तक आती है, मतलब लगभग 15-16 हजार रुपए महीना, और फीस करीब 2.5 से 3 लाख रुपए साल की। तो ये एक बहुत ही रीजनेबल अमाउंट है और बहुत ही अफोर्डेबल भी। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कारण होता है इजी एडमिशन प्रोसेस। देखिए, आप ऑलरेडी नीट के लिए बहुत मेहनत कर चुके हैं, बहुत प्रयास कर चुके हैं और एग्जाम दे दे के थक चुके होंगे। स्टूडेंट चाहते हैं कि अब एक सिंपल प्रोसेस से उनको एडमिशन मिल पाए और रशिया में एडमिशन प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। अगर आप नीट क्वालिफाइड हैं, आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में 50% मार्क्स हैं, और अगर आप नीट क्वालिफाई सिर्फ इस साल नहीं बल्कि पिछले 2 साल में भी आपने नीट क्वालिफाई किया हुआ है, यानी कि लास्ट 3 ईयर्स में अगर आप नीट क्वालिफाइड हैं, तो आप रशिया जा सकते हैं। ना तो यहाँ पर एडमिशन के लिए कोई एंट्रेंस एग्जाम होता है, ना ही परसेंटेज बैरियर, और ना ही आपको IELTS या TOEFL जैसा एग्जाम क्लियर करना पड़ता है। और आपको सिर्फ यूरोप की नहीं बल्कि वर्ल्ड की टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज में पढ़ने का मौका मिलता है। ये सभी यूनिवर्सिटीज बहुत ही रेप्यूटेड है। सबसे अच्छी बात यह है कि ना तो यहां पर कोई डोनेशन है, ना कोई कैपिटेशन फीस, ना ही इंडियन कॉलेजेस में जैसे NRI सीट्स, मैनेजमेंट सीट्स की फीस अलग अलग होती है, वैसा कोई प्रॉब्लम। तो आपके लिए वही फीस है जो कोई भी इंडियन स्टूडेंट के लिए है और सभी को बराबर फीस देनी होती है। लो कॉस्ट ऑफ लिविंग, देखिए अगर आप वहां पर 6 साल पढ़ाई कर रहे हैं और आपको वहां रहना है, तो वहां की कॉस्ट ऑफ लिविंग भी लो होना बहुत जरूरी है। इस समय पर इंडिया के कंपैरिजन में रूबल की कॉस्ट 0.92 से 0.95 रुपीस है,
मतलब ऑलमोस्ट हम समझ सकते हैं कि इंडियन रुपीस के बराबर ही, और इसका फर्क सीधा सीधा आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग पे पड़ता है। तो वहां पर आपकी एवरेज कॉस्ट बहुत ही कम आती है, जो कि कई सारे यूरोप के स्टडी अब्रॉड डेस्टिनेशन से बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है। इसके बाद जो अगला कारण है वो है वहां की हॉस्टल फैसिलिटी, क्योंकि यहाँ के जो मेडिकल कॉलेजेस हैं बहुत रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस जिनका कैंपस ह्यूज है, और सभी कैंपसेस के साथ बहुत सारे हॉस्टल्स भी हैं। हॉस्टल फैसिलिटीज यहाँ की बहुत ही अच्छी है, और उसकी वजह से स्टूडेंट आराम से हॉस्टल फैसिलिटी ले सकता है, जो ना सिर्फ सेफ है बल्कि बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। आप विश्वास नहीं करेंगे, कई सारे मेडिकल कॉलेजेस की ईयरली फीस $200 से लेकर $400 होती है, जो कि इंडियन रुपीज में अगर हम बोलें तो 2 से 2500 या 3000 रुपये महीना, विच इज लेस देन द कॉस्ट ऑफ लिविंग इन इंडिया इवन। साथ में ही गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट हॉस्टल्स होते हैं, सेपरेट कुकिंग स्पेसेस होती है, स्टूडेंट्स के लिए कई सारे कॉलेजेस के अंदर मेस फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, जो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्टर्स और इंडियंस ही रन कर रहे हैं। काफी क्वांटिटी में यहाँ पर इंडियन स्टूडेंट्स होने के कारण काफी सारे रेस्टोरेंट्स भी आपको इन क्षेत्रों में मिल जाएंगे जो कि इंडियन फूड सर्व करते हैं। क्योंकि रशिया एक कोल्ड कंट्री है, तो यहाँ के हॉस्टल्स और कॉलेजेस पूरी तरीके से टेम्परेचर कंट्रोल्ड होते हैं, सब जगह पर प्रॉपर हीटर्स लगे होते हैं, तो आपको ठंड का इफेक्ट महसूस नहीं होता। साथ में ही बेडिंग फैसिलिटी, सीसीटीवी सर्वेलेंस, सिक्योरिटी सर्विसेज, सब चीजें आपको वहां पर मिलती है इसी कॉस्ट में, और लॉन्ड्री क्लीनिंग फैसिलिटी भी आपको हॉस्टल फैसिलिटी में ही मिल जाती है। तो इतने सस्ते में पढ़ रहे हैं तो क्या क्लास की स्ट्रेंथ ज्यादा बड़ी होगी, बहुत सारे स्टूडेंट एक साथ पढ़ाए जाएंगे? जी बिल्कुल नहीं। अगला बेनिफिट है क्लास स्ट्रेंथ। यहां पर पढ़ने वाले स्टूडेंट्स का बैच ऑलमोस्ट 15 से 20 स्टूडेंट्स का होता है, ताकि हर इंडिविजुअल स्टूडेंट के ऊपर अटेंशन दिया जा सके, और इसका सीधा प्रभाव आपकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे पड़ता है। और अच्छी बात यह होती है कि आपके साथ ज्यादातर पढ़ने वाले स्टूडेंट्स इंडियन या एशियन ओरिजिन के होते हैं। अब कई ऐसे कंट्रीज हैं जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, फैसिलिटीज नहीं है, सेफ्टी नहीं है, और वहां पर इंडियन स्टूडेंट पढ़ते हैं और कई बार अपनी लाइफ को भी रिस्क कर लेते हैं। रशिया की सबसे अच्छी बात है कि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ह्यूज है, और यह है इसका अगला बेनिफिट, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। यहां पर जो भी यूनिवर्सिटीज आपको मिलेंगी, कोई 100 ईयर्स, कोई 150 ईयर्स ओल्ड यूनिवर्सिटीज हैं, ये सभी बहुत बड़े बड़े कैंपसेस में बनी हुई है, क्योंकि आप जानते हैं कि रशिया दुनिया का सबसे बड़ा देश है। यहां पर जो कि अगर हम साइज में बात करें तो इंडिया से करीब 6 गुना बड़ा, और वहां की पॉपुलेशन बहुत कम है, सिर्फ पूरे कंट्री की पॉपुलेशन 10-11 करोड़ के आसपास है, तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन काफी कम है, जमीन की कोई कमी नहीं है, और इसीलिए ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर्स इस जगह पर बनाए हुए हैं। और आप ये भी जानते हैं कि रशिया दुनिया की 2 सबसे बड़ी सुपर पावर्स में इसका नाम आता है। इन यूनिवर्सिटीज का यूनेस्को और WHO में बहुत ही हाई रेटिंग है। अगर वर्ल्ड रैंकिंग की बात की जाए तो टॉप 100 वर्ल्ड रैंकिंग यूनिवर्सिटीज में से लगभग 20 से 30 यूनिवर्सिटीज रशिया की है। तो क्या यहाँ पर रंग भेद यानी कि रेसिज्म या रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है इंडियन स्टूडेंट्स को? ये एक सबसे अच्छी बात है कि बिल्कुल नहीं। तो अगला बेनिफिट है नो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। रशिया में किसी तरह का रंग भेद नहीं किया जाता है, स्पेशली इंडियन स्टूडेंट्स को वहां पे बहुत रिस्पेक्ट की निगाह से देखा जाता है। काफी क्वांटिटी में इंडियन स्टूडेंट्स ऑलरेडी रशिया से मेडिकल करके इंडिया में प्रैक्टिस कर रहे हैं। साथ ही इंडिया और रशिया का एक बहुत ही स्ट्रांग जियोपॉलिटिकल रिलेशनशिप है, और जिसका सीधा फायदा इंडिया और रशिया दोनों कंट्रीज को मिलता है। किसी भी तरह की प्रॉब्लम को ये सॉर्ट आउट करने में पूरी तरीके से सक्षम है। साथ में क्योंकि रशिया एक कम्युनिस्ट कंट्री था, आप जानते हैं, और इसी वजह से वहां पर ज्यादातर आपको कोई रिलीजियस इश्यूज भी नहीं मिलते हैं, और सोशल एंड मॉरल वैल्यूज को फॉलो करते हैं। इसकी वजह से यहां पे आपको किसी तरह का रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन का भी सामना नहीं करना पड़ता। अगला बेनिफिट है इंटरनेशनल एक्सपोजर। एक स्टूडेंट इंडिया से बाहर जाता है तो सिर्फ उसको फीस का ही फायदा नहीं, बल्कि उसको पूरी दुनिया में क्या हो रहा है इसकी जानकारी भी बहुत अच्छे से मिलती है। इसका सीधा सीधा प्रभाव उसकी पर्सनालिटी पे देखने को मिलता है। ये इंटरनेशनल एक्सपोजर उसकी पर्सनालिटी में भी रिफ्लेक्ट करता है। अब देखिएगा, अगर इंडियन स्टूडेंट हैं, बहुत सारे स्टूडेंट इंडिया से बाहर अब्रॉड पढ़ने जा ही रहे हैं, उनमें से काफी सारे स्टूडेंट CIS कंट्रीज में जाते हैं, जैसे कि जॉर्जिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, और ये सभी रशियन एजुकेशन सिस्टम को ही फॉलो करते हैं।
तो अगर आप इतने कम कॉस्ट में यानी कि बहुत ही रीजनेबल कॉस्ट में पढ़ने जा सकते हैं तो व्हाई नॉट रशिया। तो आई थिंक दैट्स वन ऑफ द बेस्ट चॉइस। तो मैं ये बात पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ये दुनिया का सबसे मोस्ट इकोनॉमिकल मेडिकल एजुकेशन रशिया में है। कुछ स्टूडेंट्स 5 ईयर्स कोर्स के कारण दूसरे कंट्रीज में जाते हैं, लेकिन वहां पर प्रॉब्लम यह है कि वो कोर्सेज ECFMG से एक्रेडिटेड नहीं होते, जिसके कारण स्टूडेंट USMLE नहीं दे पाते, जो जानकारी बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं होती है। यहाँ पर आपकी स्टूडेंट लाइफ भी बहुत एक्साइटिंग होने वाली है। स्टूडेंट्स कई तरह के स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स कंटेस्ट स्टूडेंट फेस्टिवल्स और रिक्रिएशनल इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, साथ में ही उनके खुद के थिएटर्स होते हैं और कई तरह के क्लब्स भी होते हैं जो कि उनको नेक्स्ट लेवल का एक्सपोजर देता है। तो अगर आप भी लोएस्ट बजट में MBBS स्टडीज करना चाहते हैं और ऑप्शन ढूंढ रहे हैं तो रशिया विल बी द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। और सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट है कि रशिया NMC गजट के ज़्यादातर रूल्स को फॉलो करती है। कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं अगले वीडियो में बताने वाला हूँ, जिनको भी जल्द ही कंप्लाई कर लिया जाएगा, क्योंकि हाल में हुए इंडो रशियन समिट में जिस तरह के संकेत NMC के सेक्रेटरी ने और वहाँ के ऑफिशियल्स ने दिए, उससे ये साफ समझ में आ रहा है कि जल्द ही रशिया और इंडिया की मेडिकल एजुकेशन एक नए लेवल को अचीव करने वाली है और ये रिलेशनशिप और स्ट्रांग होने वाला है। आई एम डॉक्टर श्रीनिवास, आई एम सेक्रेटरी नेशनल मेडिकल कमीशन एंड आई रिप्रेजेंट द एपेक्स बॉडी फॉर द मेडिकल एजुकेशन रेगुलेशन फॉर द होल कंट्री। And as you know that our country, many of the doctors who are here, matlab want to be doctors or medical students, one of the most important destination happens to be Russia. We as an apex regulator want to maintain the quality of medical education that is there in our country. We have 700 medical colleges, and the main job of the National Medical Commission, which was earlier known as Medical Council of India, is to see to it that the quality of education that is being given to the students is top notch. The doctors that are coming out are well trained so that they'll be able to take care of the patients. And of course, Russia has a very good medical system, and if we have a good relationship with the medical systems of Russia and we have a good understanding, MOU kind of agreements with the Russian universities, I think there'll be easier approachability for our students to go to Russia and the Russian students also to come here and study in India. India leads in medical education, also in hospitals. We have large medical tourism that is going on in the country. So this is a, we have in the NMC 4 boards that is there. In the 4 boards we have a UG board, a PG board, MARB which does the assessments part, and we all the boards can sit together. And in fact tomorrow I think our the ministers, honorable ministers, are coming to visit the NMC. We'll show the NMC how the functioning takes place, how the students get into the system. We have an examination called NEET, which is mandatory for any student to become a doctor. Then we're planning to have a next exam, that is, it's like a licensing exam which we want to plan to start from next year. So if we, this kind of a examination pattern and if the curriculums are matching with the Russian curriculum regulators as well, then it will be easier for us to have easy access of the students. So ye tha mera update about the advantages and benefits of studying MBBS in Russia. Milte hain ek aur naye video ke saath. Channel ko subscribe karna na bhulein, kyunki aapko India aur MBBS abroad ke sare details milte hain hamare channel pe. इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। गुड बाय एंड थैंक यू।